हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 के ऑक्शन में अब ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा है और आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2020 का ऑक्शन कहाँ होगा, कब होगा, किस तारीख को होगा और सबसे ज़रूरी बात कि आईपीएल ऑक्शन की टाइमिंग क्या होगी या कितने बजे से शुरू होगा, कितने बजे ख़त्म होगा और साथ ही साथ आईपीएल ऑक्शन का लाइव टेलीकास्ट कौन से चैनल पर आएगा। तो गाइस ये सारी बातें करने वाले हैं हम इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हो कि आपकी फेवरेट टीम 2020 का खिताब जीते तो यहाँ कहीं लाइक का बटन दिया हुआ होगा, उसे हिट करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और आईपीएल से जुड़ी सभी न्यूज सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों आईपीएल 2020 का ऑक्शन 19 दिसंबर को होने वाला है और इसका ऑफिशियल कन्फर्मेशन बीसीसीआई ने कर दिया था आज से लगभग 1.5 महीने पहले ही। और गाइज उसके बाद अगर हम वेन्यू की बात करें कि आईपीएल 2020 का ऑक्शन कहाँ होगा, तो गाइज आमतौर पर आईपीएल के ज़्यादातर ऑक्शन बेंगलोर और मुंबई में होते हैं और अगर हम पिछले साल की बात करें तो आईपीएल 2019 का ऑक्शन जयपुर में हुआ था, लेकिन गाइज इस बार का आईपीएल ऑक्शन बीसीसीआई एक नए वेन्यू पर करा रहा है और आईपीएल 2020 का ऑक्शन कोलकाता में होगा। और गाइज अगर हम टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आईपीएल 2020 के ऑक्शन की टाइमिंग क्या होगी। तो गाइज अगर हम पिछले साल के आईपीएल तक की बात करें तो 2008 से लेकर 2019 तक के सभी आईपीएल ऑक्शन की जो टाइमिंग थी वो सुबह 9:30 बजे से थी, आईपीएल 9:30 बजे से शुरू हो जाता था, लेकिन गाइज इस बार का जो आईपीएल ऑक्शन है वो 2:30 बजे से शुरू होगा क्योंकि आपने देखा होगा हॉटस्टार नाम का एक चैनल है, वहाँ पर उन्होंने एक एड दिखाया था, एक प्रचार दिखाया था, उसमें उन्होंने आईपीएल ऑक्शन का टाइमिंग 2:30 पर दिखाया था, लेकिन गाइज जो एक टाइमिंग है वो पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि गाइज इनका कुछ फंक्शन होगा तो गाइज उसमें भी 1.5 घंटे का टाइमिंग जाएगा। तो आप मानकर चलिए आईपीएल 2020 का जो ऑक्शन होगा वो शाम के करीब 3:30 बजे से शुरू होगा। और गाइज अगर हम बात करें कि आईपीएल कितने दिन तक चलने वाला है, कितने समय तक चलने वाला है, तो गाइज ये मेगा ऑप्शन नहीं होगा, ये मिनी ऑप्शन होने वाला है और जो 2021 का ऑप्शन होगा वो मेगा ऑप्शन होगा। और गाइज ये 2020 का ऑप्शन है, ये मिनी ऑप्शन है, तो ये 2 दिन तक नहीं चलेगा बल्कि ये 4 या 5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 8 या 9 बजे तक आईपीएल 2020 का ऑक्शन हो जाएगा। और गाइज उसके बाद बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि आरटीएम कार्ड का यूज होगा कि नहीं, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आरटीएम कार्ड का जो यूज होता है वो सिर्फ मेगा ऑक्शन में होता है। और गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल का जो आईपीएल ऑक्शन होगा वो मिनी ऑक्शन होगा, तो मिनी ऑक्शन में आरटीएम कार्ड का यूज नहीं होता है। तो गाइज आप जान जाइए आरटीएम कार्ड का यूज नहीं होगा और जो लोग बोल रहे हैं कि आरटीएम कार्ड का यूज होगा वो सिर्फ आपको पागल बना रहे हैं। और गाइज उसके बाद अब सबसे जरूरी बात कि आप आईपीएल 2020 के ऑक्शन को लाइव कहां से देख सकते हो, तो दोस्तों आईपीएल 2020 का जो लाइव टेलीकास्ट होगा वो स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर होगा क्योंकि गाइज आईपीएल का जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो स्टार स्पोर्ट के पास है, तो ऐसे में आईपीएल ऑक्शन भी स्टार स्पोर्ट पर लाइव आएगा। और गाइज अगर आप किसी भी कारणवश अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हो ऑक्शन को तो आप हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हो, हालांकि हॉटस्टार ऐप पर आपको कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं, आपको 199 रुपये देने होंगे हॉटस्टार को 1 महीने के लिए, लेकिन गाइज अगर आप फ्री में देखना चाहते हो तो बहुत से वेबसाइट है, बहुत से ब्लॉग्स हैं जो कि ऑक्शन का लाइव अपडेट्स आपको देंगे, तो आप प्ले स्टोर से क्रिक बज या ESPN ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप वहां पर आईपीएल 2020 के ऑक्शन का लाइव अपडेट पा सकते हो। तो गाइज यही थी आईपीएल 2020 के ऑक्शन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द आंसर जरूर देंगे। और गाइज क्रिकेट से जुड़ी सभी न्यूज़ सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।